हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल इंट्रोडक्शन सेशन किया था, उसके बाद में आज हम फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने बताया था त्रिकोणमिति के बारे में। तो आप लोगों को पता है त्रिकोणमिति आपने 10th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ी है, यानी कि 10th क्लास में आपके 3 चैप्टर थे स्टार्टिंग में, यानी कि चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 चैप्टर थे, और उसमें बहुत सारा आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है। तो इसका कुछ बेसिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं 10th क्लास को कि आपने क्या क्या पढ़ा है इन शॉर्ट में, और उसके बाद में फिर हम बढ़ते हैं त्रिकोणमिति के बारे में डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे जो 11th क्लास में है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है उससे आगे का मैटर हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि ट्रिगोनोमेट्री बनी कैसे और ये है क्या चीज़। तो आपने सबसे पहले पढ़ा होगा एक समकोण त्रिभुज के बारे में, यानी कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये क्या है, समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण है, और उसके अलावा जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और उसके साथ में एक एंगल और दिया होता है आपको जब वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर ये एंगल है, या फिर इन दोनों में से एक को आधार मान सकते हैं और एक को लंब। अगर आपको एंगल गिवन है, थीटा वगैरह कुछ भी, तो हम एंगल के सामने वाली भुजा को क्या मानेंगे, लंब मानते थे और इसको आधार मानते थे, ये बन गया। और इसी में एक पाइथागोरस थ्योरम और आता था, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है एक्चुअल में, ये है, ये जो भुजा है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता था आपका लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर आप में इन तीनों में से कोई दो वैल्यूज आपको गिवन हो और एक वैल्यू नहीं दी हुई हो, तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते थे। तो इसको आपने बहुत पढ़ लिया है। उसके बाद में हम देखते कुछ टर्म्स आपने पढ़े थे 10th क्लास में, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। यहाँ पे देखो ये इन शॉर्ट में लिख रहे हैं, इनको इनके पूरे नाम अलग हैं लेकिन उनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। यहाँ पे साइन एक सिंबल है और ये थीटा क्या है, ये आपका एंगल है। एंगल के बारे में जब 11th अभी स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ी देर में जब करेंगे तो डिटेल में जानेंगे, ये एंगल है। इस एंगल के बिना इस वैल्यू का कोई, यानी कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम कहीं पे ये लिखते हैं साइन, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। एक ये एक वर्ड मात्र है, यानी कि कुछ वर्ड, एक वर्ड मात्र है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर यहाँ पे हम थीटा लगाते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है, और इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि साइन थीटा, तो आपने 10th क्लास में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, यानी कि लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे लाल बटा कक्का, याद करो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, याद रखने का एक ट्रिक है थी ये। तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण, ये होता क्या है, देखो जो साइन थीटा है वो जो आपका राइट एंगल ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसकी लंब और कर्ण के अनुपात के बराबर, यानी कि लंब तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी ये लंबाई, और कर्ण इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है साइन थीटा का मान। उसी तरीके से जो कोस थीटा का मान है वो आधार बटा कर्ण के अनुपात के बराबर होता है, टेन का लंब बटा कर्ण होता है। तो ये चीज़ आपने 10th क्लास में देखी थी, तो आपको ये पता लग गया है कि ये कहाँ से बना और कैसे आया, यानी कि साइन थीटा जो आपका समकोण त्रिभुज है उसकी लंब और कर्ण का अनुपात है, कोस थीटा आधार और कर्ण का, इसी तरीके से ये एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात हैं। इससे जब से ही हमने आगे बढ़े तो कुछ और फॉर्मूले हमने देखे थे, जैसे कि फॉर्मूलों से पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उनकी कुछ वैल्यूज़ देखी थी हमने, सभी वैल्यूज़ नहीं देखी थी, जैसे कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, ये वैल्यूज हमने नहीं देखी थी। लेकिन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अगर है तो हम उसकी वैल्यू निकाल पा रहे थे, इन 6 के 6 जो टर्म्स हैं इनकी। अगर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री है तो भी हम निकाल पा रहे थे, 45 डिग्री है तो भी हम निकाल पा रहे थे, 60 और 90 डिग्री, ये जो आपकी 5 वैल्यूज हैं इनके ऊपर हमने इन टर्म के जो 6 टर्म हैं इन सब की वैल्यूज़ देखी थी, और इनके एक टेबल देखी थी, हमने किसी भी तरीके से निकाला हो लेकिन इनके डायरेक्ट एक टेबल देखी थी जिसको हमने याद कर लिया था।
यहाँ पे तो केवल हमने 0 से 90 डिग्री तक की एंगल की वैल्यूज याद की थी 10th क्लास में, लेकिन 11th क्लास में इससे बड़े एंगल्स जो होंगे उनकी भी वैल्यू हम फाइंड करना यहाँ पे सीखेंगे। चलो ये टेबल आपको अब अच्छे से याद कर लेनी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये याद नहीं है या फिर हो सकता है काफ़ी लंबी छुट्टियाँ हो गई हैं, उन छुट्टियों में अगर आप भूल गए हो तो इनको आप याद कर लेंगे। फिर से मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि 10th क्लास की बुक उठाइए और वहाँ से आप इसको लर्न कर लीजिएगा। जब हम स्टार्ट करेंगे तो एक बार इसको डिस्कस जरूर करेंगे इस टेबल को। चलो इसके बाद में हम चलते हैं, कुछ फॉर्मूले और थे हमारे पास, और फॉर्मूले क्या थे, एक तो साइन, इसमें हम देखते हैं 1 + tan² θ इज इक्वल टू, क्या देखा था हमने 10th में, sec² θ। दूसरा 1 + cot² θ इज इक्वल टू आपका होता था cosec² θ। और तीसरा है sin² θ + cos² θ इज इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले देखे थे मेनली। अब इन फॉर्मूलों से 2 और फॉर्मूले बना सकते हैं, वो कैसे देखिएगा। अगर इस 10² θ को धर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये sec²θ - tan²θ इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। या फिर इस 1 को धर ले जाएंगे तो sec²θ - 1 इज इक्वल टू 10² θ। अब नेक्स्ट इसमें भी 2 और फॉर्मूले बना सकते हैं, एक बार तो cot²θ को उधर ले जाएंगे और एक बार 1 को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे cosec²θ - cot²θ इज इक्वल टू 1, और एक बार आ जाएगा आपका cosec²θ - 1 इज इक्वल टू cot²θ। और इससे भी इसी तरीके से 3 और फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आपने 10th में देख लिए थे। उसके अलावा कुछ फॉर्मूले और भी देखे थे आपने, जैसे कि sin 90 - θ क्या होता था, ये होता था आपका cos θ, क्योंकि यहाँ पे 90 आ गया, इस वजह से आप साइन को कोस में चेंज कर देते थे, कोस को साइन में, टेन को कोट में और कोट को टेन में चेंज करते थे। तो यहाँ पे cos 90 - θ क्या हो जाता था आपका sin θ, और बाकी जो बच गए वो टर्म भी इसी तरीके से चेंज हो जाते थे। ये मटेरियल तो स्टूडेंट्स आपने 10th में पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री का मैंने इन शॉर्ट में बताया है। अब हमें स्टार्ट करते हैं 11th का मैटर। 11th कहाँ से स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में, वो देखिए यहाँ पे एंगल है आपके पास। अब इस एंगल के बारे में हमें नहीं पता है कुछ भी कि एंगल को मापने का तरीका क्या होता है और एंगल एक्चुअल में होता क्या है। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि एंगल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और एंगल के टाइप्स क्या है, यानी कि इनको मेजर किस में करेंगे, मापेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं, और ये आपका 11th क्लास का टॉपिक है, ये आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का, और इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं 11th और 12th के क्लास के प्रत्येक चैप्टर के अंदर ये आएगा, कहीं ना कहीं यूज ज़रूर होगा। जैसे कि अगर आप AP और GP भी पढ़ रहे हो तो वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज ज़रूर होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं एंगल यानी कि कोण। यहाँ पे हम समझने का काम करते हैं, वीडियो के साथ में आपको एक PDF फाइल भी मिलेगी, वहाँ से आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं और आपको अपनी सेपरेट कॉपी बनानी है इस मैथ की जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका, और जो सर पढ़ा रहे हैं आपको AP और GP विजय सर जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए आपको दूसरी कॉपी बनानी है, उसमें नोट करना है जो यहाँ पे हम बता रहे हैं। और साथ में आपको होमवर्क भी मिलेगा डेली बेसिस पे, जैसे ही क्लास खत्म होगी तो जो क्वेश्चन हम करेंगे उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए भी हम देंगे। तो चलो कोण को समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन को हम प्रारंभिक लाइन भी बोल सकते हैं। अगर इस लाइन को हम उठा करके इधर के साइड में इस साइड में ले जाएं, ये कौन सी साइड है ये देखो, तो घड़ी के हिसाब से हम आइडिया लगाते हैं। अगर हमारे पास कोई घड़ी है, ये होगी आपकी घड़ी 12, 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, तो आपकी घड़ी किस तरीके से चलती है आपको आइडिया होगा। घड़ी किस तरीके से चलती है आपकी, इस तरीके से चलती है, इधर अगर कोई सुई है तो आपकी इस तरीके से चलती है। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, इधर वाली डायरेक्शन को, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी जिस तरफ चलती है वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज। और अगर इसके विपरीत साइड में चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये तो डायरेक्शन हो गई, हम यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यूज करेंगे, यानी कि घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में।
अब यहाँ पे देखो, अगर इस लाइन को हम यहाँ से उठा करके इधर से उठा रहे हैं और इधर ले जा रहे हैं, तो ये लाइन कहाँ पे आ गई, इधर की साइड में आ गई। तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या है, मान लिया थीटा है। अब ये एंगल पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव वो हम देखेंगे। अगर हमारी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉक वाइज है, तो आपका जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर ये डायरेक्शन आपकी कौन सी है, क्लॉक वाइज है, यानी कि ये जो लाइन है वो किधर आती है, इसको उठाकर इधर लेके आ रहे हैं क्लॉक वाइज, तो ये एंगल बनेगा। और ये तो ये एंगल किसका बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है आपकी वो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। कहने का मतलब अगर इस लाइन को हम यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले जाएं, तो ये जो घुमाव बनेगा इसको क्या बोलते हैं हम, कोण बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोले तो एंगल बोलते हैं। ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हम इसको रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेट बनेगा, आपका जो घुमाव बनेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और क्लॉकवाइज जो घुमाव बनेगा वो क्या रहेगा, आपका नेगेटिव। अभी तक हमने समझा है कोण के बारे में। कोण क्या होता है, कोई भी लाइन है आपकी उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो जो घुमाव बनता है वो क्या बनेगा, आपका पॉजिटिव कोण। और जो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और यहाँ पे जो घुमाव है उसको क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव कोण। चलो, कोण के बारे में आपने देख लिया है, 10th क्लास में भी आपने कोण के बारे में देखा था, वहाँ पे डिग्री फॉर्म था का। डिग्री कैसे लिखते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या लिखते थे 45, उसके ऊपर एक छोटा सा जीरो टाइप बना देते थे, लेकिन आकार में छोटा होता था वो, उसको हम क्या बोलते थे, डिग्री। चलो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम कौन कौन से तरीके प्रचलित हैं, यानी कि ये जो कोण है इसको मापने के तरीके कौन कौन से हैं। तो जो फिलहाल चल रहे हैं वो दो तरीके प्रचलित हैं आपके, जो कोण को मापा जाता है। पहला तरीका है आपका डिग्री, डिग्री, और दूसरा जो तरीका है आपका वो क्या है, रेडियन। इन दो तरीकों से हम जो कोण है उनको मापते हैं। अब हम इनको पढ़ने वाले हैं कि डिग्री क्या है। डिग्री वास्तव में आपने 10th क्लास में देखा था कि 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब इसको समझ लेते हैं, वहाँ तो हमने डायरेक्ट देख लिया था कि हाँ कोण को मापने का तरीका होता है, तो लेकिन ये बनना कैसे डिग्री। तो मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन को अगर आप रोटेट करते हो और ये लाइन यहाँ पे आ जाती है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत आ जाती हैं, तो जो ये कोण बनता है आपका इसको क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। और समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण, तो ये 90 डिग्री का है। अगर इसको डबल रोटेट कर दें, यानी कि इतना ही और घुमा दें, इस लाइन को यहाँ से उठाकर यहाँ पे लेके आए थे, इसको उतना ही और घुमा दें, तो क्या बनेगा, इस तरीके का बनेगा। तो ये जो कोण है ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का कोण, जिसको कि हम सरल कोण या फिर ऋजु कोण बोलते हैं। अगर इसको और घुमा दें इस कोण को, तो कैसा बनेगा, सॉरी ये इतना घूम जाएगा, तो ये कोण कितना बन जाएगा, 270 का बन जाएगा, 270 डिग्री का। अगर इसको और घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसा कोण बनेगा जिसको क्या बोलते हैं, 360 डिग्री का कोण बोलते हैं। तो एक पूरा राउंड लेने पे जो कोण बनेगा कितने बनेगा, 360 डिग्री, यानी कि अगर हमारे पास एक समकोण है, मान लीजिए अब इस पे आते हैं डिग्री पे, ये तो हमने कोणों के बाद बीच में चल गई थी इस वजह से उसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। अगर इस 90, ये जो समकोण है इसको हम इक्वल 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी कि आपके पास एक लाइन है उसको आपने इस तरीके से रोटेट किया कि दोनों लाइन क्या होगी, आपकी लंबवत होगी, ये पार्ट जो है इसको समकोण बोलते हैं। इसको अगर हम इक्वल 90 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो जो एक पार्ट बचेगा आपके पास, यानी कि जो एक पार्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, एक डिग्री बोलेंगे। तो डिग्री इस तरीके से डिफाइन है। या फिर आप ले सकते हो ये वाला कोण, ये जो है अगर इसको हम 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो जो एक पार्ट होगा वो एक डिग्री के बराबर होगा, या उसको एक डिग्री बोलेंगे। ये चीज़ समझ में आई स्टूडेंट्स। चलो, डिग्री के बारे में हमने अभी देख लिया है, डिग्री क्या होती है। एक पूरे राउंड में जो एंगल बनता है वो कितना रहेगा आपका, कितना डिग्री का रहेगा, 360 का, क्योंकि इसका कितना है, 4 मल्टीप्लाई है, ये 4 टाइम मल्टीप्लाई है, तो ये 4 समकोण हो जाएंगे, और 4 समकोण में एक समकोण में कितना कोण बनता है, 90 डिग्री, तो 4 समकोण में
360 डिग्री का आपका एंगल बन जाएगा। हाँ स्टूडेंट, आज हमने डिग्री के बारे में पढ़ा, यानी कि दो चीज़ें पढ़ी हैं आज हमने, एक तो एंगल क्या होता है यानी कि कोण क्या होता है, और एक डिग्री क्या होती है उसके बारे में पढ़ा है हमने। चलो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे की चीज़ें, तब तक आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब।